हवा के पर लगा लेते, उसे भी साथ उड़ा लेते। ये दिल दीवाना हो जाता, उसे अपना बना लेते। मौला यूं चलते साथ जैसे दो सितारे साथ चलते हैं, मगर वो रात को और हम यूं ही दिन रात जलते हैं। अखियां निमाणी तेरी दीवानी इतनी सी है इश्क कहानी, बोला तेरे सदके रब्बा तेरे सदके इश्क बने ना दर्द कहानी। पूछ लूं सच सच बताओगे? चलो फिर ये बता, आज तक कितने लड़के आशिक हुए थे? कौन कहता है कि मौत मुश्किल है? अरे मरना तो बहुत आसान है, असल मुश्किल तो जीना होता। इश्क बने ना दर्द कहानी। अच्छा छोड़ो इन बातों, कल हमारा वलीमा है ना, तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी सहेलियों को जरूर इनवाइट करना। हाँ वो जो आसपास मोहल्ले से हैं और कॉलेज वगैरह से भी, बस देखो बाद में शिकायत ना करना कि कोई रह गई। नहीं मेरी ऐसी कोई सहेलियां हैं नहीं, और मोहल्ले की जो भी लड़कियां हैं वो आ ही जाएंगी। फिर भी वो कोई खास वाली तो होगी ना, जिससे सारी दिल की बातें करती हो। देखो अब ये ना कहना कि नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि हर लड़की की एक ना एक जरूर होती है। आप फिक्र नहीं करें, अम्मी ने बुलावा दे दिया होगा जिसको देना होगा। खाना लेकर आते हैं आपके। आए ठीक है, शुक्रिया बेगम। बेगम ये ले अब्बा। अब्बा क्या बात है? क्या हुआ? सुबह से कुछ गुमसुम बैठे हैं, जब से स्टेशन से आए कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ जाकर सो जाओ, पर हम कमरे को अच्छी तरह से बंद करके सोया करो। मैं तो रोज ही करती हूँ, आज कोई खास बात है क्या? ऐसी वस्में से ज़हन को तंग करते हैं। आप खाना खा लें, ठंडा हो जाएगा, आराम कर लीजिएगा बाद। आज पूरा दिन एक ही बात मेरे ज़हन में गर्दज करती रही है। वो क्या? वो कौन था जिसने हमारे घर के बाहर ताला डाला था? हमारे मोहल्ले का तो हो नहीं सकता, बरसों हो गए हमें यहां रहते हुए, तुम्हारा सारा बचपन इसी मोहल्ले में, इन्हीं गलियों में गुजरा है। छोड़े ना अब्बा, क्यों बीती बातें करके दिल दुखाते? नहीं बस ये पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है वो जो कोई भी है हमारे आसपास कहीं रहता है, जिसे तुम्हारी हर बात का अच्छी तरह से पता हो। मैं समझी नहीं।
मैं देखता हूँ। नहीं नहीं अब्बा आप बैठे, आप मत देखिए। मुझे देखने दो। नहीं नहीं अब्बा बाहर मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगता है। शबीर की बेटी होकर डरती हो? कुछ नहीं होता, देखता हूँ। यार तो कोई भी नहीं है, तुम्हारा भी दिल बिल्कुल छोटे चूजे की तरह से है। मैं ऐसे ही हूँ अब्बा, और मैं अपने लिए नहीं आपके लिए डरती हूँ। अच्छा चलो रात बहुत हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। कनातें, शामियाना, क्रॉकरी, देगे, कुर्सियां, दस्तरखान, कूलर, ग्लास, बड़े चमचे, पराते, अबे क्या है ये? एक ही वलीमे में अच्छा खासा बंदा नाई हो जाता है। चलो देख लेना तुम दोनों ने करना है, और सुन बे, और इस अल्लाह मियाँ की गाय को भी समझाता ही, क्वालिटी और मयार के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी ठेले वाले से सौदा करो देगों का, मैंने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना इस वलीमे का। क्या अकरम भाई, वलीमे का खाना तो ज़िंदगी में एक ही बार होता है ना, उसमें भी ऐसी कंजूसी। हाँ लिखा एक बार होता है, चार शादियाँ हो सकती हैं, हो सकती है ना, तो वलीमे भी हो सकते हैं ना चार। अच्छा तू इन बातों पे ज्यादा ध्यान न दे। ठीक है उस्ताद। अरे बात तो बता, कभी तो मुझे अक्कू भाई कहता है, कभी उस्ताद कहता है, चक्कर क्या? तुम मेरे उस्ताद हो, मेरे बड़े भाई हो, सब कुछ तुम ही हो अकरम भाई, इसलिए जो मुंह में आता है बोल देता हूँ। मैं रोज तुमसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ अकरम भाई, अगर तुमने सहारा ना दिया होता तो मैं अभी तक गूंगा बहरा बना सड़कों पर रुल रहा होता। जज्बाती बातें। अच्छा हाँ तुम दोनों वलीमे वाले दिन सारा टाइम जनान खाने में ना घुस रहना, मर्दाना भी तुमने देखना। क्या कह रहे हो अकरम भाई, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या? बिल्कुल ऐसा लगता है, और ऐसा ही है। जहाँ थोड़ी सी भी अच्छी शक्ल देखो दोनों की आंखें ऐसे चमक के बाहर आ जाती। और वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, क्या नाम है उसका, ओ हेडमास्टर की बेटी। ओ, क्या कह रहे हो अकरम भाई? ओ नीलम, किन बातों पे पड़ गए हो? क्या कहते हैं वो शामियाने वाला कितने बजे आ रहा है? कनाते सड़क पे लगवानी या पीछे मैदान में? वो अच्छे हो ना तू, चलो जाओ। अरे भैया अब तो शब्बीर मियाँ की नाराजगी दूर हो गई तुमसे, फिर भला जाने में क्या दिक्कत है? चलो आएंगे तो मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। अरे इतनी मोहब्बत और ताकीद से उसने पैगाम भेजा तुम्हारे लिए, वो तो तड़प रही होगी तुम्हारे लिए। तड़प तो मैं भी रही हूँ उससे मिलने के लिए बुआ, लेकिन मैं अब्बा को और किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। मैं जानती हूँ मुझे जाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन आजकल वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं, पीछे से वो फिर परेशान होते रहेंगे। अरे तो क्या नाहिद से नहीं मिलोगी? मिलूंगी मैं उससे, आज शाम आ जाएगी नाहिद वलीमे के बाद अपने घर, तो तभी जाके मैं मिलूंगी उसके घर, वरना फिर अब्बा के साथ रात को चली जाऊंगी कुछ देर के लिए। अच्छा भैया तुम्हारी मर्जी, मैं तो कहती थी कि चली चलती साथ, अब ये दिन फिर कब आएंगे, तुम्हारी मर्जी। हाँ अकरम मियाँ जी, वो नाहिद की माँ पूछ रही है कि नाहिद यहीं रुक जाए या रात आप दोनों आओगे फिर खाना खाने? आप जैसे कहें मौलवी साहब, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रात के खाने के तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, नाहिद रुक जाइए, फिर आप जब इजाजत देंगे दो या तीन दिन बाद में उसे आकर ले जाऊंगा। अरे मियाँ इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है, आजकल तो ये रस्में जिंदगी का हिस्सा बन गई है,
तुम आ जाना रात को, इसी बहाने गपशप हो जाएगी। चले जैसे आपकी मर्जी। बस फिर तय हो गया कि तुम रात जरा जल्दी आ जाओगे, बैठ के तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ वो याद आया, वो तुम्हारे भाई साहब जो हैं आजम साहब, वो खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे ना? जी जी बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए थे, बात हुई थी मेरी, आपको बहुत सलाम दे रहे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वलीमे की दावत खा कर जाते, मगर उनका जाना भी जरूरी था जल्दी। हाँ रहते हैं। अच्छा हाँ, वक्त मिले तो जरा मस्जिद का चक्कर लगा लेना, वो मखदूम साहब आए हुए हैं मुल्तान से, साथ उनके एक दो साथी भी हैं। मैंने तुम्हारा जिक्र किया तो उनको बड़ा इश्तियाक हो गया तुमसे मिलने का, बल्कि वो एक साहब जो उनके दोस्त हैं वो तो तुम्हारे हम पेशा निकले, वो बर्तनों का कारोबार करते हैं वहाँ मुल्तान में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर जरूर क्यों नहीं, मुझे जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं जल्द चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। फिर मेरी परी के चेहरे पर स्याह बादल क्यों? मूड खराब है क्या? नहीं नहीं अब्बा, कुछ नहीं हुआ। मैं आपके लिए खाना ले आऊं? सहेली याद आ रही। भाई मैंने तो तुम्हें कह दिया था कि हुआ के साथ चली जाना उसके बली में, फिर तुम गई क्यों नहीं? बस आपके बिना कहीं जाने का दिल नहीं चाहता, आपने जाने से मना कर दिया ना। भाई मेरा तो तुम्हें पता ही है, ऐसी तकरीबात में मुझे उलझन होती है। मैं पहले भी कब जाता था ऐसी तकरीबात में, शादी ब्याह में, तुम चली जाती। ये वैसे भी लड़कियों के मिल बैठने का बहाना होता है। बस दिल नहीं किया जाने का। क्या बात है, उदास क्यों हुआ? एक तो तुम लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता। मैं आपके लिए खाना लेके आती। वो नाहिद वलीमे के बाद आज घर आ गई क्या? जी अब्बा, बुआ बता रही थी कि अपने घर वापस आ गई। बस तो फिर ठीक है, हम दोनों बाप बेटी खाना खाते हैं, उसके बाद ना नाहिद को मिलवाने के लिए मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा उसके घर। सच अब्बा? अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। एक तो मौलवी साहब से माजरत कर लेंगे, शादी में शिरकत ना कर लेंगे, उनका गिला दूर हो जाएगा, और तुम अपनी सहेली से खूब बातें कर लेना। इस खुशी में बाप को खाना खिलाना ना भूल जाना, और तुम्हारी तो भूख वैसे भी उड़ गई होगी। ठीक है रे आप, मेरी तो असल में भूख उड़ गई, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वैसे क्या पता मौलवी साहब अभी सो भी गए हो, नाहिद पता नहीं क्या करेगी, इतनी रात हो गई। मैं आपके लिए खाना लेकर। ये अकरम मियां नहीं आया अभी तक, खाने का वक्त निकला जा रहा है। आप लोग शाम में खाना खा लेते हैं, तो देर से खाते हैं खाना, खैर आते होंगे अभी। अच्छा तुमने खुद सारे खाने के इंतजाम देख लिए ना, अरे कोई कमी बेशी ना रह जाए। आखिर दामाद पहली बार हमारे घर दावत पर आ रहे, कोई ऊंच नीच हो गई ना तो सारी जिंदगी का ताना रह जाएगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शहजादा गुलफाम आ रहा हो। वही है अकरम मनियारी वाला, कोई और नहीं आ रहा है। क्या फजूल बोले जा रही हो तुम, कितनी बार समझाया है अपने शौहर का नाम इज्जत और तमीज से लिया करो, ये क्या मनियारी वाला की रट लगा रखी है। कुछ तो हया करो लड़की। मनियारी वाले को मनियारी वाला ना कहूँ तो क्या कहूँ,
शहजादा गुलफाम कहूं क्या? अच्छा अच्छा छोड़ो। वो अब्बा जल्दी करें, कोई नहीं आपका खजाना लेकर जाएगा कहीं। अरे एक मिनट बस, अच्छी तरह से बंद तो कर लूं मैं। अब बड़ी जल्दी हो गई है सहेली से मिलने, कहां घर से निकलने का तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा था। आप नहीं समझेंगे, चले। ओए शबीरे, कौन है? ओए शर्म कर, ओए आधी रात को किस ऑफिसर के पास लेके जा रहा है इसको? जोड़ो मेरे अम्मा को। कुछ पता चला उन लोगों का? गली तो सुनसान पड़ी थी, किसी ने नहीं देखा। एसएचओ बयान लिखकर गया लड़की का, कह रहा था कि परी इस वक्त बहुत डरी हुई है, दोबारा आने का कह दिया। अल्लाह रहम करे, हमारे मोहल्ले को पता नहीं किसकी बद्दुआ या नजर खा गई। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएंगे ना? बस आप लोग दुआ करें, आप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मरीज का बहुत ज्यादा खून बह गया था, हमने मजीद खून लगा दिया है, लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। देखना बिल्कुल तंदुरुस्त होके घर आएंगे। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, उन बदमाशों ने भी मेरी बदनामी के ताने दिए थे उनको। आज मेरी वजह से सारा जी, मेरी वजह से सारा।
करम मियां, मेरे ख्याल में अब तुम भी घर जाकर आराम करो। हम हैं ना शबीर मियां के पास, मैं नाहिद को वापसी पर छोड़ता जाऊंगा। नहीं नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें मौली साहब, वैसे भी अब आपके मोहल्लेदार मेरे भी कुछ तो लगते ही हैं। वैसे भी मुझे तो इस सारी कहानी की समझ नहीं आई, ये लड़की आखिर कौन है? पहले तो मैंने इसको नाहिद के आसपास कहीं नहीं देखा, शादी के दिन भी नहीं नजर आई। बहुत बदनसीब लड़की है बेटा। हमारे मोहल्ले की नुक्कड़ पे जो मकान है ना मैदान के सामने वाला, वही रहती है। नाहिद की सबसे अच्छी दोस्त भी यही है। तो शादी के दिनों में ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे क्या? नहीं, ये बाप बेटी के साथ एक हादसा हो गया था, बस तब से दर बदर है। माँ इसकी मर चुकी है, बाप की इकलौती बेटी है, बस माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा है। लेकिन हादसा किस किस्म का मौजूद साहब, मतलब किसी से दुश्मनी थी अल्लाह ना करे, या कोई डाका वगैरह डाला? हाँ बस डाका ही पड़ गया था इन बेचारों के घर पे, तब से दर बदर हैं दोनों। मेरी तो अल्लाह से बस अब यही दुआ है कि इसके बाप को अल्लाह हमेशा इसके सर पर कायम रखे और मजीद इन्हें किसी भी मुसीबत से बचाए रखे। मौलवी साहब, मेरा मशवरा तो यह है कि आप नाहिद और खाला को लेकर घर चले जाएं, मैं रुक जाता हूँ यहाँ, और जैसे पेशेंट की तरफ से कोई इत्तला मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ। हाँ हाँ, घर में भी अब चैन कहाँ आएगा, शब्बीर कोई गैर थोड़ी है, वो तो अपना ही है। मैं तो बस अकरम मियां यहीं पे जाए नमाज बिछा के अपने अल्लाह से शब्बीर के लिए दुआ करूंगा। भाई, कहीं वही घर तो नहीं जिसका मैं तुम्हें बता रहा था, जिसमें वो लड़की का चक्कर चला था सफसर के साथ, जो मकान टाप कर आया था, कहीं वो तुम्हारी परी के पीछे तो नहीं? भाई क्या बकवास कर रहा है? इश्क पने ना दर्द कहानी। मेरे अब्बा ठीक तो है ना? वो मेरे अब्बा की तबीयत का बता नहीं रहा, मैं हमसे कब तक मिल सकती हूँ? अभी डॉक्टर साहब अंदर हैं, बाहर आके बताएंगे। बेटा सब्र करो, सब्र करो बेटा, बैठ जाओ, अल्लाह मेहरबानी करेगा। जी डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मरीज की? पहले से बेहतरी के आसार मौजूद है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ जमघटा क्यों लगाया हुआ है? एमएस साहब राउंड पर आएंगे, वो नाराज होंगे, और आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउ है, बाकी लोग आप लोग वापस जाएं, और विजिटिंग आवर 3 से 4 है। ठीक है जी? ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। अकरम मियां, तुम खवातीन को लेकर घर चले जाओ, मैं और सफदर हैं, हम बारी बारी अटेंड करेंगे शब्बीर मियां को। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाएं, मैं यही अपने अब्बा के पास रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लेती मैं यहीं पे रहूंगी। जिद नहीं करते बच्चे, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक ठाक होकर वापस आ जाएंगे। तुम अब नाहिद के साथ घर चली जाओ, कुछ खा पी लो,
दोपहर को जब मुलाकात का वक्त होगा तो अकरम मियां तुम दोनों को फिर ले आएंगे वापस। खुदा जाने, लेकिन परी की बातों से तो यही लगता है कि वो शबीर भाई और परी को पहले से जानते थे। बल्कि ये भी हो सकता है कि वो पहले से घात लगाए बैठे हों। लेकिन मौलवी साहब, मैं शबीर भैया से भला किसकी दुश्मनी होगी? उन्होंने तो आपको पता है हमेशा हम सबका साथ दिया है। कितना दर्द रखते हैं हम सबके लिए। मोहल्ले में किसी ने रात के 12 बजे भी बुलाया ना तो दौड़े चले आते थे। कौन दुश्मनी करेगा उनसे? सफदर साहब, इंसान के 100 दोस्त 100 दुश्मन होते हैं। आप पता नहीं कौन अपनी दुश्मनी निकाल गया है। लेकिन मौलवी साहब, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि इस मामले का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं परी के मामले से जुड़ा है। वो लोग यकीनन शब्बीर भाई के पीछे नहीं आए थे, परी के पीछे आए। हो सकता है, लेकिन हमें ये बात पुलिस या किसी गैर के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। लड़की का मामला है और बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, और फिर परी तो अपनी बच्ची है। दुरुस्त फरमाया आपने मौलवी साहब, इंशाल्लाह मैं एहतियात करूंगा। बस वो बेदिहानी में आपके सामने बात नहीं करती। जी मौलवी साहब। जी, खैरियत तो है जी? मरीज को मजीद खून की जरूरत है, ब्लड बैंक खून का अरेंज कर रहा है। प्लीज आप लोग ब्लड बैंक से फौरन रब्ता करें। मैं कुछ खाने के लिए बाहर से मंगवा दूंगा आप लोगों के लिए। इस वक्त घर पे तो कुछ बना नहीं, सारी बात है सारी रात बाहर गुजरी। नहीं बेटा, तुम जहमत ना करो। अब यहाँ नाश्ते और खाने को किसका दिल कर रहा है? कि उस लड़की ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया। इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग भी हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए और उसे भी कुछ खिला दीजिए। मैं दुकान से लड़का भिजवा दूंगा और मैं जरा नाहिद से बात कर लूँ। रुको बेटा, मैं बुलाती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल जहमत मत कीजिए, मैं कमरे में जाकर उससे बात कर लूंगा। बैठिए। परेशान होने से तो कुछ भी नहीं होगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाए। खैर मुझे बताओ, खाना लेकर आऊं? खाने से क्या नाराजगी है? सब बेहतर होगा। नाहिद, बात सुनो। जी। वो मैं कह रहा था, मैंने खाला से कहा है कि मैं दुकान वाले लड़के के हाथ नाश्ता भिजवा दूंगा, तो वो तुम अपनी सहेली को खिला देना, इसका भूखा रहना ठीक नहीं है। वो तो मैं खिला दूंगी, अब्बा को थोड़ी देर के लिए घर भेज दीजिएगा। पूरी रात एक पैर पे वहाँ पर खड़े रहे हैं, शुगर डाउन हो जाती है उनकी। हाँ हाँ सही है, ठीक है, मैं कह दूंगा। छोड़ो भाई से, आओ, वो मिल गई। अबे हाँ ना, मिली और ऐसी मिली कि सीधा के सीने से टकरा गई। वो तेरा कूस्ता तो वहीं पत्थर हो गया। हाँ भैया, देना यार 50 की देना। अभी नजर क्यों नहीं आई और तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दी? अबे यही तो मसला है। जरूर कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है ठीक हमारे नाक के नीचे। खैर छोड़, नाम है उसका परी। परी नहीं, पक्की सहेली है उसकी।
उसी नाहिद वाली गली में नुक्कड़ वाले मकान में रहती है वो। बाप उसका कोई सरकारी मुलाजिम टाइप चीज है, किसी यूनियन यूनियन का लीडर भी है। भाई कहीं वही घर तो नहीं जिसका मैं तुम्हें बता रहा था, जिसमें वो लड़की का चक्कर चला था अफसर के साथ जो मकान टाप कर आया था, कहीं वो तुम्हारी परी के पीछे तो नहीं? भाई क्या बकवास कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गया? उस्ताद सही कह रहा हूँ, तो उसका बाप यूनियन लीडर था, उसकी उसकी माँ नहीं है तो वो घर पे अकेली होती है, उसका कहीं चक्कर चल गया उस अफसर के साथ। उस अफसर ने मौका ढूंढते ही उसके जब घर गया तो किसी दिल जले ने घर को ताला लगा दिया। बस कर दे, बस कर दे, हार्ट अटैक कराएगा क्या मेरा? अब तो इस कहानी का पता लगाना ही पड़ेगा। नाहिद भी घुनी बड़ी, मुझे खबर नहीं होने दी इस मसले की। वो तो रात को परी के बाप को किसी ने चाकू भी लगा दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता। मोहल्ले में तो पूरी फिल्म चल चुकी है। भाई बताओ अब करना क्या है? अफसर का पता लगाना पड़ेगा। हाँ तो कल गया था ना बड़े दफ्तर किसी का पर्स काटने, वहां पता चला कि इस अफसर का तबादला करा दिया गया है। अच्छा, यानी मेरे रास्ते का एक काटा हट चुका है। पर उस्ताद तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। अबे हट, काय की शादी? मेरी लाला तो पहले किसी और मजनू के चक्कर में थी। जो भी हो दूध पति, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को फंसाया जा रहा है। तभी तो उसका बाप जज्बाती होकर उन लफंगों से जाके झगड़ पड़ा था। जो भी है दूधपति, अब हमें पता लगाना ही पड़ेगा इस अलिफ लैला के पीछे असल में हाथ किसका है। बेटा जीती रहो, बेटा जरा पानी पिला दो मुझे। अच्छा अब्बा कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उनको होश आया कि नहीं? मुझे कब लेके जाएंगे? अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। मैं सफदर को उसके पास बिठा आया हूँ, जोहर पढ़ लूँ तो फिर तुम्हें भी उसके पास ले चलूंगा। तभी भी नहीं संभली है। देखा, इसलिए मैं नहीं आ रही थी वापस। आप मुझे उनके पास दोबारा ले जाओ और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मैं भी घर नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। बेटा बस तुम अपने अब्बा के लिए दुआ करती रहो, बेटी की दुआ में बड़ी ताकत है। अच्छा मैं जरा वजू कर लूं, नमाज याद करो। परेशान नहीं। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। अकरम मियां। वालेकुम सलाम, आ गए तुम? जी। अच्छा क्या बेटा, आप बताइए कैसी है मरीज की तबीयत? भाई क्या बताऊं, रात भर बनती बिगड़ती रही है बेटा। बस दुआ करो अल्लाह सेहत दे उसको। आमीन आमीन। तो सदर भाई आप अकेले आए या साथ में आए? तो मैं ही हूँ, इंशाल्लाह आ जाएंगे और भी लोग, अल्लाह मालिक है। आप बैठे, अल्लाह खैर करे बेटा। फिर भी डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? शब्बीर की हालत ठीक नहीं है, खून बहुत बह गया है, अस्पताल ले जाते जाते। अब दोबारा वो खून लगा तो रहे हैं मगर असर नहीं हो रहा। अल्लाह खैर करे,
अच्छी का तो अपने बाप के अलावा कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। हाँ, अल्लाह रहम करे, मुझसे भी तो इसी दुनिया में होते हैं। मैंने रात को भी इसीलिए उसे घर भिजवा दिया था कि डॉक्टरों के चेहरों पर लिखी तहरीर पढ़ ली थी मैंने। अगर वो रात वहां रहती तो डॉक्टरों की भाग दौड़ देखकर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी। बहरहाल तुम नाहिद से कहो कि वो हर वक्त परी के साथ ही रहे, उसे तन्हा हरगिज ना छोड़े। इंसान बड़ी कमजोर और आजिज मखलूक है, हम तो बस अपने मालिक के हुक्म के पाबंद है। अल्लाह रहम करे, रहम करते अल्लाह पाक। बात सुनिएगा जी। बोलिए। वो आपका नंबर क्या है जी? मेरा मतलब है वो इंटरकॉम पर कौन सा नंबर मिलाकर आपसे बात हो? यहाँ नंबर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको उठाएं, मुझसे बात हो जाएगी। अच्छा, शुक्रिया। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव वेरी गुड टाइम इन यूएस। चलना चाहिए मेरे ख्याल में। डैड, इतनी जल्दी भी क्या थी? मैं कोई अगला सेशन अटेंड कर देता। आई एम जस्ट सेइंग कि ये इस सारी सिचुएशन में इट ऑल सीम्स वेरी हेक्टिक टू मी। कमाल करते हो तुम, डायरेक्ट मिनिस्टर से बात करके तुम्हारे डैड ने रातों रात तुम्हारा नाम डलवाया, और बेटा ये समझो कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। एक तुम हो, खुश ही नहीं होते। मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट से पता चला है कि वहां तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है और इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। But Dad, I want to face that inquiry. फुजूल बातें मत करो। तुम्हारे आने तक मैं ये इंक्वायरी भी फाइल करवा चुका हूँ। I think let's go. Come on, let's go. Come on, बेटा, come on, let's go. क्या कह रही थी उस्ताद? अरे पता नहीं क्या कह रही थी, पर जो भी कहा खूब कहा। ऐसे एक बात मुझे आज तक नहीं समझ आई बेदुपति, ये अस्पताल वाले कहां कहां से चुनकर नर्सें लाते हैं। सही कह रहे हो उस्ताद, इस नर्स को देख के तो दिल चाह रहा है बीमार होकर यहीं पड़ जाऊं। सरकारी अस्पतालों की नर्सें होती है ना, उनको देख के तो मौत भी भाग जाए। ऐसे क्या खूब कहे हैं चचा गलत ने, घर पड़ी है बीमार तो कोई ना होती मार बाप। हो अच्छा, तो तैमूर साहब कब तक वापस आ जाएंगे ट्रेनिंग से? कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, उनकी नॉमिनेशन भी बस रातों रात ही मिनिस्टर ऑफिस से कंफर्म हुई, और 24 घंटों में फॉरेन ट्रेनिंग सेक्शन से अप्रूवल भी आ गई थी। इनफैक्ट वो फिर भी एक दिन लेट ही पहुंचेंगे यूएसए। ओ अच्छा, कोई जरूरी पैगाम था क्या? हाँ था तो बहुत ज़रूरी, पर अब वो निकल चुके हैं, इन हालात में मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कुछ तलब देना। ठीक है जी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा आपसे रब्ता कर लूँगा। आइए एस एच ओ साहब, क्या पेशरफ्त है शब्बीर के केस में? हाँ फरमान, मुलजमान का तयन हो चुका है। शब्बीर का एक दिन पहले ही यूनियन की मीटिंग में झगड़ा हुआ था। नज़ीर वाला मरकजी मुलजिम है, अपने दोनों साथियों समेत फरार है, लेकिन बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा इंशाल्लाह। वैसे आपने इस केस पर बड़ी जाफशानी से काम किया है, लेकिन इस सिलसिले में तुम्हारे बॉस तैमूर साहब का नाम बार बार सामने आ रहा है। लगता है उस चाकूदनी की वारदात के पीछे शायद वही ताना और काली जिससे मुश्तैल होकर शब्बीर ने एक दिन पहले दफ्तर में नज़ीर वाले की नक्सीर फोड़ डाली थी, इसलिए तैमूर साहब का बयान लेना बहुत ज़रूरी हो गया। तैमूर साहब तो 3 माह के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं,
मैं खुद भी शब्बीर के वाक्य की इत्तला देना चाहता था उनको, लेकिन इन हालात में मुनासिब नहीं समझता। देखो फरमान, तुम्हारे कहने से पहले भी हमने उस लड़की को ज्यादा तंग नहीं किया, लेकिन उस लड़की की हालत ऐसी नहीं है अभी। नजीर वाले के गिरफ्तार होने के बाद उसको शनाख्त परेड के लिए तो थाने आना ही होगा, क्योंकि इससे हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कानूनी तकादे पूरे करने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन एक गुजारिश है कि वो लोग बहुत शरीफ लोग हैं, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल ना हो। मुतमईन रहो फरमान, पुलिस में भी तुम जैसे शरीफ और भरम रखने वाले बंदे मौजूद हैं, बस हम थोड़े से बदनाम ज्यादा हैं। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा कि लड़की की इज्जत पे कोई बात ना है। बस चलता हूँ फिर। एक शर्त पर तुम्हें दे रही हूँ, आज के आज परवीन को बुलाकर उसका फोन वापस करो। कर दूंगी वापस, और तुम्हें किस बात का डर लगा है? कर तो लिए तुम्हारे कहने पर उस मनियारी वाले से शादी। एक माँ का डर कभी खत्म नहीं होता। देखो नहीं, अब तुम्हारी कोई भी चीज अक्रम से छुपी भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें फोन रखने का शौक है ना, तो कहो उसे, वो बाजार से नया ला कर दे देगा। तुम्हारे अब्बा ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। नहीं ना, है वो मेरे लिए नया फोन, और अब्बा इतनी जल्दी नहीं आने वाले, परी को लेकर अस्पताल गए हैं। अच्छा बस, मैंने कह दिया ना, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। शब्बीर यूनियन लीडर के कितने रिश्तेदार मौजूद हैं? जी ये रिश्तेदार तो नहीं है, अलबत्ता मोहल्लेदार हैं। शब्बीर चाचा की बेटी आई नहीं अभी। मौलवी साहब दिखाई नहीं दे रहे आज, आए नहीं क्या? बस वो भी आते ही होंगे बच्ची को लेकर। अच्छा ठीक है, जब तक तमाम मुल्ज़मान का दफा 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं कर लेते, हमें यहाँ एक हवालदार बिठाना होगा, इसलिए मुलाकातियों की फहरिस्त भी चाहिए होगी मुझे। वैसे कितने रिश्तेदार या मोहल्लेदार हैं इधर? भाई वो अकरमिया कहाँ है? अकरम कौन है? दामाद है मौलवी साहब के। भाई कहाँ है वो? अरे वो रहे अकरम भाई, नमाज पढ़ रहे हैं। सब अल्लाह लिमन हमदा रब्बाल अलहम्द। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं फिर, मैं आपसे फिर रब्ता करूँगा।